अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जो बहुत वायरल हो रही है। मेरा दिल चाहा कि मैं इसे शेयर करूं। सोशल मीडिया पे बैठ के हमें किसी की बुराइयां ही सिर्फ नहीं देखनी चाहिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसे भी सराहना चाहिए। ये वीडियो एक इंडोनेशियन लड़की के बारे में है जिसका नाम मैसरा है। इस लड़की ने 30 मिलियन इंडोनेशियन रुपये ठुकरा दिए। आइए देखते हैं कि किस वजह से उसने इतनी दौलत ठुकराई। Tolong dibuka cadarnya karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional. Kalau enggak mau buka langsung didiskualifikasi. Tidak lah. Nizam, ada nizam. जी हाँ, जैसा कि आपने देखा है कि ये इंडोनेशियन लड़की एक मुकाबले में शरीक हुई और जब इसे पता चला कि शर्त ये है कि आपने अपना नकाब खोलना है और सिर्फ नकाब खोलने का कहा था, यानी कि आपने सिर्फ चेहरा दिखाना है, लेकिन इस लड़की ने इस शर्त को नामंजूर करार दिया और इतनी ज़्यादा दौलत को ठुकरा कर निकल गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इस लड़की को कुछ ही देर बाद मुख्तलिफ जगहों से मुबारकबाद मिलना शुरू हुई और इसे बहुत ज़्यादा सराहा जाने लगा। वाकईतन आज के दौर में भी ऐसी बापर्दा औरतें हैं जिनके सामने किसी तरह के भी हालात हों, लेकिन वो पर्दा हरगिज़ नहीं छोड़ती। इस लड़की ने दौलत के पीछे अपने पर्दे और अपनी इस्लामी इकदार को कुर्बान नहीं किया और किसी तरह कभी कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसके बदले में अल्लाह ताला ने इसे जितनी इज़्ज़त अफजाई दी, जितनी इसे इज़्ज़त दी, इसके मुकाबले में ये दौलत कोई माना नहीं रखती। लेकिन कुछ लिबरल औरतों का कहना है कि क्या इस्लाम सिर्फ औरतों के लिए आया है? क्या मर्दों का हक नहीं है? क्या मर्दों पर फ़र्ज नहीं है कि वो अपनी नज़रें नीची रखें? बात वही है, इस्लाम मर्द और औरत दोनों पर आया है। इस्लाम में औरत का फ़र्ज़ है कि वो पर्दा करे और मर्द का फ़र्ज़ है कि वह अपनी निगाहें नीची रखे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।